भारत फिलहाल तो आर्थिक मंदी और सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था से टेंशन में है, लेकिन आदिकाल से हमारे समाज में दानवीर और त्याग की हजारों कहानियां हवा में घूम रही हैं और आज भी हैं, जिन्हें सुनकर और जानकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। देश में शिक्षा, अस्पताल और ना जाने क्या क्या लोगों ने अपनी दानवीरता और साहस से बनाया है, जहां पर लोग शिक्षा ग्रहण करके अस्पताल में इलाज करा के तृप्त होते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बताएंगे जिन्हें फोर्ब्स ने एशिया का सबसे उदार समाज सेवी घोषित किया है। प्रेम जी ने इस साल 52,750 करोड़ के वैल्यू वाले शेयर दान कर दिए। अगर प्रेम जी के दान की बात की जाए तो प्रेम जी ने कुल 1.45 लाख डॉलर के शेयर दान किए हैं। यहां पर एक बात बताते चलें कि फोर्ब्स ने बुधवार को एशिया पैसिफिक के 30 बड़े परोपकारी लोगों की लिस्ट जारी की, जिसमें प्रेम जी के अलावा अतुल निसार और बायकॉन की किरण मजूमदार शॉ का नाम शामिल है। फोर्ब्स ने ऐसे उद्योगपतियों, समाज की बड़ी हस्तियों को शामिल किया है जो लगातार गरीबी मिटाने और शिक्षा पर लगातार काम कर रहे हैं। अजीम प्रेम जी विप्रो से रिटायर हो चुके हैं और उनका अजीम प्रेम जी फाउंडेशन शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 19 साल पुरानी ये संस्था शिक्षा के लिए काम करती है। उद्योगपति निसार ने इस साल 15 लाख डॉलर यानी कि 10.5 करोड़ रुपए मुंबई में एक स्कूल को दिए हैं जो गरीब और अशिक्षित बच्चियों के लिए काम करता है। बायकॉन के चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने यूके के एक विश्वविद्यालय को 52.5 करोड़ रुपए दान में दिए। शॉ खुद ही ग्लास्को विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े दानवीर प्रेम जी का प्रेम और भारत के गरीबों के साथ अपने आप को न्योछावर करने वाले भारत के सबसे बड़े दानवीर प्रेम जी, ऐसे महात्मा को सलाम।